अभी जो आप स्क्रीन सेवर पे स्क्रीन का जो इफेक्ट देखें अभी के दौर पे हर लड़का या लड़की चाहते हैं कि अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में हम इस तरह का स्क्रीन सेवर का इफ़ेक्ट से लगाएं, जिससे हमारे दोस्त या कलीग्स इन इफ़ेक्ट को देख के अपना इम्प्रेशन हम बना सकें उनके सामने तो इन इफ़ेक्ट को हम कैसे एक्टिव करेंगे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे और कैसे अपने दोस्तों के सामने अपना इम्प्रेशन बनाएंगे आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे तो हेलो दोस्तों मैं हूँ धर्मेंद्र कुमार और आज का हमारा नया टॉपिक है हमारे स्क्रीन सेवर के ऊपर तो अभी जो तरह तरह के स्क्रीन सेवर आप देखे जो फर्स्ट स्क्रीन में हमारा दिखा तो उससे हम कैसे एक्टिव करेंगे चलिए आज उस टॉपिक पे हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं और सर्च करते हैं विंडो बटन प्रेस करके हम सेटिंग सर्च करते हैं सेटिंग पे आते ही यहाँ देखिए साइड पे पर्सनलाइजेशन है उस पर हम क्लिक करते हैं देखिए ये हमारा नया एक स्क्रीन ओपन हुआ तो सबसे पहले इसमें हम लॉक स्क्रीन पे चलेंगे लॉक स्क्रीन पे क्लिक करते ही नीचे की ओर आएंगे नीचे में दो ऑप्शन मिलेगा एक स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग और एक स्क्रीन सेवर सेटिंग तो हमें स्क्रीन सेवर सेटिंग पे क्लिक करना है और इस तरह से हमारा सेटिंग खुल जाएगा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्क्रीन सेवर इसमें हमें तरह तरह की सेटिंग्स मिलेंगी जैसे कि फर्स्ट में है नॉन नॉन का मतलब है कि हमें अभी इसमें नॉन सेलेक्ट करते ही कुछ भी नहीं होगा और एक है थ्री तो थ्री पे क्लिक करेंगे और प्रीव्यू देख लेते हैं इसका ये देखिए विंडो टेन ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसीलिए ये शो हो रहा है यहाँ पे इसमें हम अपना नाम भी लिख सकते हैं और भी तरह तरह के हैं देखिए जैसे कि ब्लैंक इसमें पूरी तरह से स्क्रीन हमारा ब्लैक हो जाएगा तो ये नहीं चाहिए दूसरा है हमारा बबल्स ये देखिए हमारा स्क्रीन जिस स्क्रीन जिस स्क्रीन को हम ओपन करके रखेंगे उसी पे हमारा बबल्स आना स्टार्ट हो जाएगा वो मिनट्स पे डिपेंड करता है कि हम कितने मिनट्स के बाद हम इन्हें ला सकते हैं वो भी हम बताएंगे आपको इसको बैक करते हैं फिर है हमारा माय स्टेफी प्रीव्यू करते हैं देखिए इस तरह का होगा ये फिर उसके बाद फिर से नीचे ये फोटो से जिसमें हम अपना पिक्चर खुद का लगा सकते हैं चाहे जैसा भी हो तो अभी हमारा डिफॉल्ट पिक्चर को ये सेव कर लिया है और नीचे है ये लास्ट है हमारा रिव्यू देख लेते हैं जो अभी हम अपने खुद के लैपटॉप पे ही हम सेट करके रखे हैं तो चलिए इसे हम कैसे एक्टिव करेंगे वो हम देखते हैं तो सबसे पहले देखिए ये हमारा है तो जैसे कि ये हमारा चल रहा है तो इसे हम कैसे एक्टिव करेंगे यहाँ देखिए वेट यानी कि एक मिनट के बाद एक मिनट या दो मिनट इसे यहाँ से हम मिनट्स बढ़ा सकते हैं हम एक मिनट्स पे रखते हैं और मिनट्स पे हम क्लिक कर देंगे और अगर हम सेव कर देंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा हमारे लैपटॉप में तो अभी हम सेटिंग्स पे और कुछ जान लेते हैं अगर इसके अंदर चलते हैं सेटिंग में यहाँ पे आज चलते हैं तो देखिए जो विंडो टेन हमारा दिख रहा था वहाँ पे हम यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं जैसे कि हम लिखते हैं अभी डी के महतो ये हो गया और इसे हम कर देते हैं ओके अब देखिए फ्रीव्यू देखिए जो अभी हम वहाँ पे लिखे वही हमारा यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है उसके बाद सेटिंग पे चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे रेजुलेशन हाई और लो है जैसे कि हम जो वर्ड को लिखेंगे वो हाई और लो होता है उसके बाद यहाँ से चूज फॉन्ड कर सकते हैं कि वो जो डी के माहो तो हम लिखे हैं उसे हम किस फोन्ड में ला सकते हैं यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं स्टाइलिश चेंज कर सकते हैं जैसे कि ये है ओके कर दिए हम उसके बाद ये देखिए हमारा साइज़ है ये जो हम वर्ड लिखे हैं उसकी साइज़ है ये इसे हम घटा बढ़ा सकते हैं तो अभी हम बिल्कुल भी इसे लार्ज रखे हुए हैं नहीं तो कुछ ज़्यादा ही छोटा लगेगा फिर यहाँ देखिए रोटेशन स्पीड जो डी के जो हमारा इधर उधर रोटेशन हो रहा है उसका स्पीड है ये इधर करेंगे तो पूरी तरह से स्लो हो जाएगा और इधर कर देंगे तो फास्ट हो जाएगा तो हमें ना फास्ट करना है ना स्लो करना है इसे हमें मीडियम में, में, में रखना है तो इसमें हम में करके इसे छोड़ देते हैं उसके बाद ये है हमारा रोटेशन स्टाइल है जो अभी इधर उधर टकरा रहा था वो स्पिन करना स्टार्ट कर देगा तो एक बार चेक कर लेते हैं एक बार इस तरह करके प्रीव्यू करते हैं तो देखिए वो पहले क्या था कि दाएं बाएं टकराता था अब देखिए ये रोटेशन हो रहा है एक ही जगह पे तो ये सारी चीज़ें हमको जो हमारे नेम को रोटेशन करा वो हमें यहाँ से मिलेगा रोटेशन स्टाइल में तो अभी फ़िलहाल हम इसको इसमें करके छोड़ देते हैं और यहाँ देखिए ये है इसमें हमारा कलर चेंज होता है जो हम नाम लिखे हुए हैं उसमें हमारा कलर चेंज होता है देखिए जैसे कि इस कलर में करके हम इसे ओके कर देते हैं तो और रिव्यू करते हैं देखिए उस समय ये रंगीन दिख रहा था अब देखिए सिर्फ वाइट दिख रहा है तो इस तरह से हम सेटिंग के अंदर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं इसको फ़िलहाल अब इसमें रखते हैं और ओके कर देते हैं और देखिए अब देखिए इसका कलर अब ये मल्टी कलर्स में दिख रहा है डिके महतो इस तरह से हम सेटिंग के अंदर हमें स्पीड रेजुलेशन साइज सारा कुछ यहाँ पे मिलता है ये डिस्प्ले सेटिंग कर लेते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ भी है इनेबल हार्डवेयर थ्रेडी रेडिंग्स ये सब में नहीं हम लोग कुछ करते हैं छोड़िए उसके बाद हम बैक चलते हैं ओके कर देते हैं और इसकी स्पीड हम आपको बढ़ा के दिखाते हैं चलो ये नीचे वाला रिवन में देखते हैं इसको सेटिंग्स में चलते हैं नो no ऑप्शंस। कोई बात नहीं इसे खोल लेंगे हम लोग तो इस तरह से हम लोग अपनी आ, स्क्रीन सेवर पे लगा सकते हैं इसको ओके कीजिए और इसको हम क्लोज कर देते हैं तो देखिए अभी एक मिनट के दौरान ये हमारा स्क्रीन सेवर पर स्टार्ट हो जाएगा तो देखिएगा किस तरह से तो हेलो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू